नमस्कार दोस्तों, मैं रवि साक और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल साक के रवि बोध में। तो दोस्तों, अंधविश्वास कैसे फैलता है, कभी आपने सोचा? जी हाँ दोस्तों, सोचना बहुत ही जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति कुछ भी करता है उसके बारे में बहुत ही सोचना जरूरी है, क्योंकि एक कहानी के माध्यम से मैं बताने की कोशिश करूंगा। थोड़ी सी छोटी सी कहानी है। एक व्यक्ति एक बार कहीं पर जा रहा था, रास्ते में उसके जूते फट गए। उसने क्या किया, उन जूतों को उतार करके एक पेड़ पर टांग दिया और वो ये व्यक्ति वहां से चला गया जूते टांग करके। मार्केट गया, अपने दूसरे जूते लिए और अपनी मंजिल पर पहुंच गया। और वहां पर जो आते जाते लोगों ने देखा कि वाह, यहाँ तो जूते टंगे, उनके दिमाग में बैठ गया कि यहां पर जूते टांगने से मन्नत पूरी होती है। तो लोगों ने वहां पर जूतों के ढेर लगा दिए, इतने जूते टांग दिए जैसे कि ये तस्वीर आप देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये तस्वीर देख करके आपको कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है ना? क्योंकि तो अंधविश्वास ऐसे ही फैलता है। और दोस्तों, आज वहां पर जूते टांगने की परंपरा सी बन गई है। वहां पर लोग आते हैं, मन्नत मांगते हैं, जूते टांग के चले जाते हैं। और दोस्तों ध्यान रखें, एक पीढ़ी का पाखंड बाद दूसरी पीढ़ी की परंपरा बन जाती है, और वही परंपरा आगे जा करके तीसरी पीढ़ी की धर्म बन जाता है। अंधविश्वास ऐसे नहीं, ऐसे ही फैलता है, ध्यान रखना इस चीज का। अज्ञानता से भय पैदा होता है और भय से अंधविश्वास पैदा होता है, और अंधविश्वास से आदमी का विवेक शून्य हो जाता है। और जिस व्यक्ति का विवेक शून्य हो जाता है वह व्यक्ति मानसिक गुलाम हो जाता है, अंधविश्वासी हो जाता है, पाखंडवादी हो जाता है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताएं। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।